नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हेमेंद गोस्वामी आपका फिर से स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। जल्दी से क्लास में आ जाइए प्यारे शिकारियों, क्योंकि आज हम करने वाले हैं फिर से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी यानी शब्दकोश, जो आपके काम आएंगे एसएससी और डिफेंस के किसी भी एग्जाम में। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं पहले सेशन से, पहले शब्द से। तो देखते हैं शब्द क्या क्या कहते हैं, है ना। तो बेटा, पहला शब्द जो आपके सामने है, आज क्लास रखने हैं, 24th क्लास है ये। तो सबसे पहले तो इसको भैया दबाते हैं अंदर। ओके, चलिए। तो डिस्क्लोजर, ये पहला शब्द है आज का, जो एक नाउन है, यानी कि इसके सिनोनिम एंटोनिम नाउन रहने वाले हैं। रितेश शर्मा जी, जय हिंद बच्चे, बाकी बच्चे भी आ जाए। अब इसका मतलब है प्रकटीकरण, या फिर शो करना, या दिखाना, या फिर पेश करना, या फिर रिवील कर देना, यानी राज खोल देना। जैसे भाई साहब हैं, बच्चों को डराकर, है ना, बच्चों को छुपकर देख रहे थे, अचानक बच्चों ने देखा कौन है, तो बताया भाई मैं हूं तुम्हारी डैड। तो डाइवर्जेंस यानी कि उजागर कर देना, या फिर डिक्लेरेशन यानी घोषणा कर देना, एक्सपोजर यानी कि किसी चीज को, है ना, खुले में कर देना, या दिखाना, एक्सपोजर करना। जैसे होता है ना कि यदि आप सोशल मीडिया पर रेगुलर आते हैं तो आपको एक एक्सपोजर मिलता है ना, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, या फिर एडमिशन यानी स्वीकार करते हैं, या डिस्प्ले करना। जैसे आप जब स्वीट शॉप यानी मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो आपको क्या किया जाता है, मिठाइयां डिस्प्ले की जाती हैं, है ना। अब कंसीलमेंट मतलब छुपाना, है ना, या हाइडिंग, या बरियल यानी दफना देना, या फिर इंटरमेंट यानी कि लोगों की नजर से बचा के रखना। अ जज ऑर्डर द डिस्क्लोजर ऑफ द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, की भाई जज ने ऑर्डर दिया कि जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जनता के सामने लाया जाए। सोनी कुमारी जी नमस्कार बच्चे। अब अगला शब्द है प्यारे बच्चों प्रोहिबिट, यानी कि आप वर्जित है। जैसे होता है ना कि आर्मी एरिया में हर सिविलियन या हर कॉमन मैन नहीं जा सकता, या संसद में हर कोई नहीं जा सकता बाग, है ना, गार्डन समझ के। तो वर्जित यानी कि वो जगह जहां पर प्रवेश निषेध है या हर कोई नहीं जा सकता। प्रोहिबिट एक वर्ब है, यानी इसके सिनोनिम एंटोनिम मोस्टली वर्ब होंगे, जिसका पहला है फॉरबिड, या फिर हॉल्ट रोकना, या डिबार यानी निषेध होना, मना होना, या फिर प्रीक्लूड, या फिर हॉल्ट, या फिर बार कर देना मतलब रोक लगा देना, एक्सक्लूड करना मतलब कि शामिल नहीं करना, या डिप्राइव यानी वंचित रखना। जब भाई साहब को वंचित कर दिया कि भाई आप अंदर नहीं आ सकते। अब एंटोनिम क्या है, एडमिट स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, परमिट यानी अनुमति देना, या सेंक्शन यानी कि जैसे कि होता है ना कि भाई मान लीजिए कि कहीं पर बाढ़ आ गई तो राज्य सरकार ने राहत पैकेज मांगा तो उन्होंने 50 करोड़ रुपए सेंक्शन कर दी मतलब अनुमति दे दी, या फिर अप्रूव कर देना। अब देखिए, जर्नलिस्ट हैव बीन बार्ड फ्रॉम कवरिंग द इलेक्ट्रॉन इलेक्शंस, की जर्नलिस्ट को रोका गया कि वो इलेक्शन को यानी चुनावों को कवर नहीं कर सकते। ऑफिसर भाई नमस्कार बेटा। अगला शब्द है आपके सामने सेंटिफाई, यानी कि क्लीन करना, साफ करना, शुद्ध करना। जैसे मंदिर जाते हैं उससे पहले क्या करते हैं, हाथों को साफ करते हैं, है ना। ये एक वर्ब है, यानी कि सिनोनिम एंटोनिम मोस्टली इसके वर्ब होंगे। पहला सिनोनिम है कंसेक्रेट, या फिर पर्ज करना, क्लीन करना, प्यूरिफाई, या हील करना। जैसे कि किसी के चोट लग जाए, है ना, तो आप उसको क्या करते हैं, है ना, उसका इलाज करते हैं ताकि वो उसका जो बीमारी है या फिर जो चोट है वो हील हो, बेहतर हो। क्लींस करना मतलब सफाई करना, रिफाइन करना यानी शुद्धिकरण, या फिर अपलिफ्ट यानी बेहतर करना। जैसे कोई व्यक्ति बड़ा परेशान है, अब उसको एक अच्छा गुरु मिल गया तो गुरु ने क्या किया, उसकी सोच को बेहतर कर दिया, है ना। हाँ, सैनिटाइजर में भी, सैनिटाइजर कम फ्रॉम दिस वर्ल्ड, यस ऑफ कोर्स सैनिटाइजर। अब डिसकंसंट्रेट मतलब कि खराब करना, या फिर मिलावट करना, या डिग्रेड यानी कि वैल्यू को कम करना, या करप्ट यानी कि करप्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में बताना जरा, है ना, यानी कि मिश्रण या मिलावट, या डिमीन यानी वैल्यू को कम करना, या दाग लगाना, स्टेन। अब देखिए, ही वॉज कंसंट्रेटेड बिशप ऑफ यॉर्क, कि वो एक यॉर्क का एक बहुत बड़ा, एक शुद्ध या हाई लेवल का एक बिशप था, जैसे पादरी जिसको बोलते हैं हिंदी में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला है फर्निश यानी प्रस्तुत करना, या सप्लाई करना, या पेश करना। जैसे कि एक आदमी आया, कहता है कि मैं भूखा हूं, तो महिला क्या कर रही है, वो कह रही कि भाई तुम्हें भूख लग रही तो एक ले लो, खा लो। तो किसी को पेश करना, या फिर सबके सामने डिस्प्ले करना, जिसको इक्विप भी कहते हैं, इक्विप मतलब सुसज्जित। जैसे कि होता है ना कि वो, जैसे कि ये सेना जो भारतीय सेना है वो हर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ क्या है, इक्विप्ड है, या प्रोवाइड, उपलब्ध कराना, पेश करना, या डिस्ट्रीब्यूट यानी आवंटन करना।
अब एंटोनिम क्या है? डाइवर्स्ट करना, यानी किसी को वंचित करना, जिसका सिनोनिम है डिप्राइव, या स्ट्रिप यानी हटा देना, डिस्पोजेस यानी कि किसी के पास जमीन है आपने हत्या ली तो आपने क्या किया, पोजेस मतलब अधिकार होना, डिस्पोजेस मतलब अधिकार को खत्म करना, या अबेट यानी रोक लगाना। फिश फर्निश एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, कि जो फिश है वो एक प्रोटीन का इंपॉर्टेंट सोर्स पेश करती है, या फिर आप प्रस्तुत कहेंगे नहीं तो सप्लाई करती है, ये कहेंगे हम लोग। अगला शब्द है बच्चों आपके सामने इनकॉस्पिशियस, ये एक एडजेक्टिव है, मतलब जो इनविजिबल है, जैसे कि ये बहन है, ये साइकिल पे चल रही है, साइकिल के टायर ही नहीं है, यानी अगोचर, शुद्ध हिंदी में, या फिर गायब है, जिसको हम अननोटिसेबल करते हैं, जिसको कोई नोटिस नहीं करता, या फिर अनऑब्ट्रूसिव या अनरिमार्केबल, मतलब कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, या फिर इनविजिबल या हिडन, छुपा हुआ। एंटोनिम क्या है? कॉस्पिशियस यानी कि जो सबकी नजर में है, या नोटिसेबल जिसको नोटिस ही किया, मतलब होते हैं ना कई लोग होते हैं भीड़ में हो तो भी सबकी नजर में आ जाते हैं, यानी नोटिसेबल, या फिर विजिबल, या प्रोमिनेंट यानी काफी स्ट्रांग है, हर कोई उसे जानता है। दैट वाज एन इनकॉन्स्पिशियस रेड ब्रिक बिल्डिंग, कि वो एक ऐसी लाल रंग की बिल्डिंग है जो किसी को नजर ही नहीं आ रही है ना। अगला शब्द है अधेयर, यानी कि पालन करना या फॉलो करना। अब भाई साहब ने नियम तोड़े, अब चोरी करके किसी का बैग भाग रहे हैं तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया, यानी कि यदि आप फॉलो नहीं करेंगे कानून को किसी भी देश के तो क्या होगा भाई, इसी तरह पकड़ा जाएगा। तो अधेयर मतलब पालन करना या अनुसरण करना या फॉलो करना, ये एक वर्ब है, यानी इसके सिनोनिम एंटोनिम्स वर्ब ही होने वाले हैं। अबाइड बाय, स्टिक टू यानी कि नियमों से जुड़े रहना, होल्ड टू मतलब कि आपको जो जैसे स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो हर एक स्कूल कॉलेज के एक नियम होते हैं, होल्ड टू या ग्लू यानी चिपक जाना, या बाइंड यानी बांध देना, यूनाइट मतलब एक होना, और कोहेयर यानी कि फॉलो करना। अब फ्लाउट का मतलब होता है ध्यान ना देना, इग्नोर भी होता है ध्यान ना देना, लूजन मतलब ढीला, अंडू मतलब जो किया उसे आपने वापस कर दिया। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक अच्छी सी मूर्ति बनाई लेकिन उस मूर्ति में नाक थोड़ी टेढ़ी हो गई तो आपने पूरी मूर्ति तोड़ दी, तो अंडू कर देना, या अनटाई मतलब कि आजाद कर देना, या फ्री। ऑल ड्राइवर्स मस्ट अडहेयर द स्पीड लिमिट्स, कि सभी ड्राइवर्स को स्पीड लिमिट के नियम को पालन करना चाहिए। अगला शब्द है बच्चों टेंटेन यानी संघर्ष करना, जैसे कि हुसैन बोल्ट है, आपको पता होगा इन्होंने सालों तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन सालों की मेहनत के बाद इन्होंने क्या किया, अपने आप को संघर्ष के साथ दुनिया का सबसे तेज धावक बनाया। कंटेन मतलब संघर्ष या फिर मुकाबला, ये एक वर्ब है, यानी सिनोनिम एंटोनिम मोस्टली वर्ब होने वाले हैं, जिसका मतलब फेस मतलब सामना करना, कोप विथ यानी कि सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना, या ग्रैपल विथ यानी कि जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में अपने आप को उसके लायक बनाना, या कंपीट करना यानी मुकाबला, राइवल यानी दुश्मन होता है ना, कॉम्पिटिटर होता है, उससे आप मुकाबला करते हैं, या बैटल युद्ध। अब एंटोनिम क्या है? हार मान लेना, डिसओन कर देना, कि भाई होता है ना कि कई बार ऐसे नालायक बच्चे निकलते हैं जिनको माता पिता कहते हैं कि भाई हम इसको नहीं जानते, डिसओन कर दिया, क्योंकि ये हर जगह लड़ता झगड़ता है, चोरी चकारी करता है। रिजेक्ट कर देना या डिस्क्लेम यानी अपने दावे को बंद कर देना, या निगेट यानी इग्नोर करना। शी हैड टू कंटेंड विद हिज अनसर्टेन टेंपर, कि उसे अपने जो टेंपर यानी गुस्सा है उसको क्या करना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा उसे काबू करने के लिए। अगला शब्द है प्यारे बच्चों विंडिकेट यानी साबित कर देना, यानी कि मान लीजिए कोई गलती हो जाए तो भाई साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई यहां नहीं वहां जाना था, उसको नहीं उसके पीछा करना था, कोई चीज एक्सप्लेन करना, जस्टिफाई करना, या वारंट। वारंट क्या होता है? एक तो कैद, और वारंटी से वारंट बनता है, यानी कि चीजों को सही उचित ठहराना, या सब्सटैंडिनेट है ना, सब्सटैंडिनेट मतलब क्या होता है, किसी चीज को सही साबित करना, एक्सप्लेन करना, एलिबाई है ना, कई लोग लिखित में है ना एक लेटर लिखते हैं कि जो मैंने कहा सच कहा, एलिबाई, या फिर कंडोन करना यानी साबित करना, डिसअप्रूव मतलब कि आप रिजेक्ट हो गए, या फिर फॉल्सिफाई गलत आपने सूचना दी या गलत इंफॉर्मेशन दी। चार्ज यानी इल्जाम लगाना, अक्यूज भी इल्जाम लगाना, कन्विक्ट मतलब दोषी। मोर सोबर व्यूज वर विंडिकेटेड बाय इवेंट्स, कि जितने ज्यादा घटनाएं होती गई उतना ही साबित हो गया, जैसे कि अगर आप किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये चोर है, चोर है, कोई मान नहीं रहा, लेकिन वो तीन चार बार पकड़ा गया तो उन घटनाओं से साबित हो गया कि भाई वो चोर है, यानी कि विंडिकेट। अगला शब्द, अब देखो अब हम करेंगे प्रैक्टिस, तो बेटा बेस्ट ऑफ लक। आज का पहला शब्द है ब्रिसल। ब्रिसल का सिनोनिम क्या होगा? थॉर्न,
ट्रैंक्विल, फ्रिक्शन या स्लीक? हाँ मेरे शिकारी बच्चों, आंसर दीजिए। यस माय डियर स्टूडेंट्स, थॉर्न का सिनोनिम क्या होना चाहिए? है कोई शिकारी जो इसका आंसर देगा बच्चों? हाँ जी बताइए जरा। कन्हैया यादव का आंसर आया है वन, बाकी बच्चे भी आंसर दें। क्या आंसर होगा बच्चे? हाँ नितेश का वन है, ऑफिसर का बी है, अनूप जी जय हिंद बच्चे, बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए प्लीज। मनदीप यदुवंशी ए। चलिए तो बिना समय गवाए चलते हैं इसके आंसर पर, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। थॉर मतलब कांटा या खूंटी। अब जैसे खाना खाते हैं ना, तो उसके लिए जो कांटे का यूज करते हैं फॉर्क, फिश हुक, जिससे कि मछली पकड़ते हैं तो एक हुक जैसा होता है, या फिर सुई को भी नीडल को भी कहते हैं, ठीक है। ट्रैंक्विल मतलब शांत होना या बेहोश हो जाना या काम या क्वाइट होता है। जैसे कोई जानवर जब बेकाबू हो जाता है तो उस पर ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वो बिल्कुल शांत हो जाता है। अब फ्रिक्शन मतलब टकराव, जिसको क्लैश या कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद भी कहते हैं। स्लीक मतलब चिकना, है ना, वो चिकना नहीं कि लोग कहते हैं ना वो चिकना लड़का है, नहीं, चिकना मतलब जो बहुत फिसलनी जगह है, जैसे काई जम गई हो, स्मूथ या ग्लिप जिसको कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कंफ्यूज। कंफ्यूज का सिनोनिम क्या होगा? एक्सप्लिकेट, परप्लेक्स, मिक्स या डाइवर्ट? हाँ बच्चों आंसर दीजिए। कंफ्यूज का सिनोनिम क्या होना चाहिए बच्चों? का आंसर है करिश्मा बी, कन्हैया बी, अनिमा बर्मन बी, तेजा बी, कन्हैया बी। इधर आंसर दीजिए। ऑफिसर बेटा का आंसर है बच्चे का डी है, मिला यादव बी, ऋतुराज फोर, तेजा बी। और कोई शिकारी है जो आंसर देगा इसका? यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखो बेटा, हिमांशु बेटा नमस्कार बेटा, तो आंसर है इसका प्यारे बच्चों परप्लेक्स यानी हैरान होना, भ्रमित होना या बिवाइल्डर, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला कंफ्यूज यानी कि अब देते हो गया परप्लेक्स। एक्सप्लिकेट मतलब बयान देना, स्टेटमेंट देना या समझाना किसी को, एग्जॉर्ट इसका सिनोनिम ये भी है। मिक्स मतलब मिश्रण या ब्लेंड, डाइवर्ट मतलब मोड़ना या रिकर्व होता है ना, कि कर्व होता है कई बार रूट्स में, है ना, या फिर टर्न कर देना यानी कि मोड़ देना। अगला सवाल चलते हैं, कुत्ता कंफ्यूज हो गया है ना कि इसके पास इतने सारा खाना कहां से आ गया। अगला है स्पाइन। स्पाइन का सिनोनिम क्या होगा? सप्पल, वर्टेब्रे या फिर रोटेंड या ग्रिम? यस माय डियर स्टूडेंट, स्पाइन का सिनोनिम क्या होना चाहिए? यस मेरे शिकारी बच्चों आंसर दीजिए इसका। अनिमा का आंसर है बी, ऑफिसर का ए है, बाकी बच्चे आंसर दें। नितेश आपका बी शायद पिछले क्वेश्चन का है, विष्णु ए, नितेश बी, मंदीप बी, रितेश बी, बाकी बच्चे बताएं बेटा। और कोई आंसर देगा? तो ऋतुराज सी। ओके तो आंसर देखिए बच्चों इसका क्या है, इसका आंसर है वर्टेब्रेटल, रीढ़ की हड्डी जिसको बैक साइड भी कहते हैं और पेडिस्टल भी कहते हैं ना, जैसे कि जानवर की रीढ़ की हड्डी या इंसान की रीढ़ की हड्डी, ये तो इंसान की लग रही है मुझे, है ना। खैर अब सपल मतलब कोमल या नाजुक या टेंडर होता है, रोटर मतलब गोल या सर्कुलर, ग्रिम मतलब कड़ा या स्ट्रिक होता है, ग्रिम, ठीक है बच्चों। बैकबोन बिल्कुल सही है, बैकबोन हो सकता है इसका सिनोनिम। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये तो क्लियर हो गया होगा। अगला शब्द है आपके सामने बैन। बैन का सिनोनिम क्या होगा? सर्टन, बैंड, प्रोहिबिट या अबेंडन? यस माय डियर स्टूडेंट्स आंसर दीजिए इसका क्या होना चाहिए। रितेश डी, तेजा थ्री, ऋतुराज डी, सॉरी प्रोहिबिट आंसर दे रहे हैं थ्री, ऑफिसर थ्री, नितेश सी, विष्णु सी, तेजा अगेन, तेजा का आंसर इज, अच्छा प्रोहिबिट आया। बट आप एबीसीडी या वन टू थ्री लिख दो, नो नीड टू राइट द होल वर्ड, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दैट। मिला यादव सी, विष्णु सी, नितेश सी, ओके चलिए, पल्लवी जोशी सी, कन्हैया यादव सी, कुमकुम सोनी सी। तो आइए देखते हैं किसका आंसर सही है।
आंसर बिल्कुल सही है, निषेध होना, फॉरबिड, बार, वीटो या डिसअलाउ। जैसे अब देखो बेटा, डिसअलाउ मतलब परमिशन ना देना, बार मतलब रोक देना, है ना। जैसे कि अगर आप कोई व्यक्ति शराब पीने के जाता है तो 18 साल से नीचे या 21 साल से नीचे को अलाउड नहीं होता, है ना, बार। अब फॉरबिड मतलब, है ना, भुला देना, या फिर अलाउ ना होना, या फिर वीटो। जैसे कि कई बार यदि कई देश मिलकर एक देश के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाते हैं तो कई बार क्या होता है, एक देश जिसको वीटो पावर है वो उसको रोक लगा सकता है। अबैंडन मतलब छोड़ देना, अकेला छोड़ देना, या डेजर्ट जिसको कहते हैं, बिल्कुल सही। अब बैंड पता ही आपको, ऑर्केस्ट्रा। एसर्शन मतलब पता लगाना या डिस्कवर करना, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ रहा हूं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है अपालिंग। अपालिंग का सिनोनिम क्या होगा, शॉकिंग, ट्रेमेंडस, फैंटास्टिक या ऑसम, जल्दी बताइए बच्चों। अपालिंग का सिनोनिम क्या होगा, सिनोनिम शॉकिंग, ट्रेमेंडस, फैंटास्टिक या ऑसम। हाँ बच्चों आंसर दीजिए प्लीज, इसका आंसर क्या होना चाहिए, एनीवन। ऑफिसर का टू है, बाकी बच्चे बताएं। अनिमा का वन है, करिश्मा आई गेस वन दे रहे हैं आंसर, रजत वन, विष्णु बी, मिला यादव बी, तनु ए, रितेश टू, दीप राज बी, तेजा वन, ऋतुराज टू। ओके तो बच्चों देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है, बेस्ट ऑफ लक। ओके तो बेटा आंसर है इसका शॉकिंग, यानी चौंका देने वाला, या भयानक, या टेरिफाइंग। जैसे भाई साहब हैं, ऐसा लगता है इनको लगा था कि मेरी बीवी गई है मायके एक महीने के लिए, लेकिन वो अगले दिन ही आ गई, तो भाई साहब हादसे में आ गए कि ये कैसे हुआ। तो कोई भी चीज चौंका देने वाली, या भयानक, या टेरिफाइंग, है ना। ट्रेमेंडस का मतलब होता है अद्भुत, शानदार, भव्य, आलीशान, जिसको इमेंस भी कहते हैं, यानी काफी बड़े पैमाने पर, या फिर मैसिव जिसको कहते हैं, है ना। फैंटास्टिक मतलब जबरदस्त या रिमार्केबल, ऑसम मतलब शानदार या स्पेक्टेकुलर। हाँ बच्चों क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट लिख दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रिफ्यूज का सिनोनिम क्या होगा, कंसिस्टेंट, अबंडेंट, मीगर या लिमिटेड। ये कौन है, विपिन यादव कह रहे हैं किसका सेंट अलाहाबाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है कि किसने पूछा था कि अलाहाबाद सेंटर किस किस का है, ये सवाल किसने पूछा था, तो याद कर लीजिएगा, विपिन यादव ने पूछा था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछले 10 सालों में ये कम से कम 5 बार आ चुका है, इसको सब नोट कर लो। अच्छा क्यों जानना है, विपिन क्यों जानना है, अगर किसी का नहीं है, अगर किसी का है तो क्या करना है उसका, क्या करोगे। चलिए तो आंसर बेटा विपिन यादव का ए है, कुमकुम सोनी टू है, आईएएफ ऑफिसर थ्री है, बाकी बच्चे बताएं, ऋतुराज टू, कन्हैया डी, रितेश टू, विष्णु सी। हाँ जी बेटा, बाकी बच्चे आंसर दीजिए, शाबाश। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हाँ बेटा अनिमा बिल्कुल सही कह रही है, तेजा वन। चलिए ट्रेमेंडस, माही कुमारी बेटा गुड आफ्टरनून, राज रावत वन, ह्यूज। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर है अबंडन, यानी प्रचुर मात्रा में या प्लेंटीफुल। देखो भाई साहब, है ना, ये अपने खेतों से बिल्लियों को भगा रहे हैं, बिल्लियां हैं कि बिल्लियों की बाढ़ आ रही है, ठीक है। तो प्लेंटीफुल या प्रचुर मात्रा में या काफी मात्रा में, इन अ लार्ज अमाउंट जिसको कहते हैं, वो है प्रिफ्यूज। कंसिस्टेंट मतलब संगत, कि आपके कैसा, आप किस परिकर में रहते हैं, कैसा आपका समूह है, या उपयुक्त यानी कि सही उचित, या रेलेवेंट यानी कि कनेक्टेड है, रिलेटेड है या नहीं। मीगर मतलब अल्प या कम मात्रा में या ना के बराबर, जिसको स्कैंटी कहते हैं। लिमिटेड मतलब सीमित या रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ रहा हूं अगले सवाल पर। अगला सवाल है फैसिनेशन, इसका सिनोनिम क्या होगा, अपील, एग्रीमेंट, डिसलाइक या हैप्पीनेस। हाँ बच्चों बताइए प्लीज, फैसिनेशन का सिनोनिम क्या होने वाला है, एनीवन। प्रिंसी पांडे जी बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने, इसको याद करने की ट्रिक। बेटा याद रखना, आपको दुनिया को कोई भी टीचर यदि ट्रिक सिखाए तो बेटा एग्जाम में काम नहीं आती है वो। है ना, और पता है आपकी आंखें कब खुलेंगी, जब आप 500 साल तक ट्रिक सीखेंगे,
500 साल तक ट्रिक सीखने के बाद भी जब एग्जाम में काम ना आए ट्रिक, तब बच्चों की आंखें खुलती हैं, है ना। वो एग्जाम से पहले आंखें नहीं खुलती, उनको पहले लगता है अरे याद हो रहा है याद हो रहा है, मगर एग्जाम के बाद आंखें खुलती हैं, अरे भाई साहब ट्रिक तो काम ही नहीं आई। याद करने की एक ही ट्रिक है प्रिंसी पांडे जी, रिविजन रिविजन और रिविजन। क्योंकि ये मेरा 16 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, मैंने देखा है जितने भी ट्रिक सिखाए जाते हैं ना, बच्चा 500 साल तक वो ट्रिक करता रहता है, फिर एग्जाम के बाद वो कहता है गुरुजी काम नहीं आया। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक सिखाकर आपको धोखा नहीं देना चाहता, है ना। चलिए तो आंसर देखते हैं, आंसर क्या है। बड़ा आंसर है सम्मोहन या अट्रैक्ट करना। देखो भाई साहब है ये अपने बॉस को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आओ मेरे पास, मेरी बात मानो, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। तो अपील, सम्मोहन, अट्रैक्शन या चार्म, ठीक है। एग्रीमेंट मतलब समझौता या फिर कॉम्प्रोमाइज। डिसलाइक मतलब ना पसंद या डिटेस्ट, या फिर पसंद ना करना, नफरत करना। हैप्पीनेस मतलब खुशी या प्लेजर, ठीक है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। डर्थ का सिनोनिम क्या होगा, शॉर्टेज, वीकनेस, डेथ या लीकेज। यस माय डियर स्टूडेंट्स, डर्थ, व्हाट शुड बी द सिनोनिम ऑफ डर्थ। कन्हैया का आंसर वन है, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। तेजा टू, प्रिंसी पांडे का आंसर वन है, अनिमा वन, तनु ऑफिसर वन, तनु वन, विष्णु सी। अच्छा तेजा कह रहे हैं कि 11 होगा आंसर, वेरी गुड, ये लेटेस्ट आंसर है, है ना। इस धरती पर पहला आंसर है एसएससी का 11, वेरी गुड बेटा, विष्णु सी, ओके। राज वन, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर है शॉर्टेज, कमी, अकाल या लैक। जैसे कि आपको पता ही है, देखो ये बहन जी कहीं शॉपिंग मॉल में, लेकिन सामान ही गायब है, कमी होना, ठीक है। तो अब बाकी शब्द, वीकनेस मतलब कमजोरी या फीबलनेस, है ना। अगला है मौत, डेथ, जिसको डिमाइस भी कहते हैं, एंड भी करते हैं, और एक्सपायरी भी कहते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, कमी होता है, अकाल होता है, कमी ये रहा। लीकेज मतलब रिसाव या इफ्यूजन को कहते हैं, तो बहुत कम बच्चों को पता होता है लीकेज का सिनोनिम इफ्यूजन भी होता है, ठीक है। बच्चों आगे बढ़ रहा हूं अगले शब्द पर, अगला शब्द देखिए ड्रेडेड। ड्रेडेड का सिनोनिम क्या होगा, फियरलेस, अफ्रेड, फेयर्ड या प्राउड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं बता रहा हूं। प्रिंसी पांडे जी आप एक काम कीजिए, यदि कोई भी आपको ब्रह्मांड में ट्रिक सिखा रहा हो उसको बेटा खूब रटिएगा रटिएगा रटिएगा, लेकिन जब एग्जाम के बाद मुझे लौट के बताइएगा पक्का कि वो ट्रिक काम आई या नहीं आई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए, क्रेडिट का सिनोनिम क्या होगा। एनीवन, बच्चों के काफी तेजी से आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए तो मैं आंसर दे रहा हूं बेटा, इसका आंसर क्या है आइए समझते हैं। इसका आंसर है फेयर, यानी कि आशंका या डर होना, या कॉशन या आगाह होना, या वॉन्ट, है ना, कि आप काफी सजग हैं, अलर्ट हैं, फेयर है, आपको डर है किसी गलत चीज के होने का, है ना। जैसे कि कभी कभी जब मम्मी पापा और घर वाले सारे किसी शादी वगैरह में चले जाते हैं और आप जिद में कहते हो नहीं मैं नहीं जा रहा, अकेले रहूंगा, जब अकेले रहते हो तो कैसा डर लगता है कि गेट के पीछे कोई है तो नहीं, कभी कभी खुद की छाया देख के डर लगता है ना। फियरलेस मतलब निडर या बोल्ड या ब्रेव या इंटरप्रिट। अफ्रेड मतलब डरा हुआ, स्केर्ड या अघास्ट, है ना। तो शक होना, आशंका होना फेयर्ड है, अफ्रेड डरा होना अलग है, ठीक है। प्राउड मतलब गर्व या फिर कैविलियर। इज क्लियर टू एवरीवन, तो आंसर है थ्री, इसको याद रखना। फेयर्ड आशंका होता है, आगाह या वार्निंग होती है, लेकिन टू इसका आंसर बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, अगला सवाल है स्ट्रेच। स्ट्रेच का सिनोनिम क्या होगा, क्लोज, कंप्रेस, एक्सटेंड या सीज। हाँ बच्चे बताइए प्लीज। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो काफी आसान है, इसका आंसर किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए। तेजा भाई, क्लास का टाइम, यदि आप एक्टिव पैसिव नरेशन, स्पॉटिंग एरर फ्रॉम द ब्लैंक्स और पैराजम्बल यानी पीक्यूआरएस करना चाहते हैं तो सुबह 10 से 11 है ना, मगर वो होती है बेटा एसएससी खान ग्लोबल स्टडीज चैनल पर, एसएससी खान ग्लोबल स्टडीज चैनल पर। और ये वोकैब करना है तो यहां आ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए तो आंसर देखिएगा बच्चों, आंसर क्या है, आंसर है एक्सटेंड यानी खींचना, बढ़ाना, ऐड करना। जैसे कि आपको पता है ना, खिलाड़ी
खेलने से पहले अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। चलिए, क्लोज मतलब बंद करना या क्लैंप या स्टॉप, कंप्रेस मतलब सिकोड़ना दबाना, स्क्वीज या कॉन्ट्रैक्ट, है ना, निचोड़ देना उसको बोलते हैं, है ना। सीज मतलब रोकना, समाप्त करना, क्लोज या फिनिश। तो बच्चों ये आज के शब्द थे। अब हम जरा अखबार पढ़ लें, क्या कह रहा है अखबार, ये भी जरूरी है। तो प्यारे बच्चों आज की ताजा खबर जो है जो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि अनसीन पैसेज क्लोज टेस्ट करने के लिए आपको बड़ा अखबार पक्का पढ़ना चाहिए। तो देखते हैं शब्द क्या कह रहा है, ठीक है जी। तो आपके सामने गेट्स फाउंडेशन फंडिंग 40 मिलियन एफर्ट टू हेल्प डेवलप एमआरएनए वैक्सीन इन अफ्रीका इन कमिंग ईयर्स, कि गेट्स फाउंडेशन है वो आने वाले वर्षों में अफ्रीका में एमआरएनए टीके का विकसित करने मदद करने के लिए 40 मिलियन वित्त पोषण कर रहा है। मतलब कि आप लोगों को जो कमी है अफ्रीका में उसको हेल्प कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे। While it could still take at least 3 more years before any of the vaccine are approved, कि हालांकि किसी भी टीके को मंजूरी मिलने में, अप्रूव मतलब मंजूरी मिलने में अभी कम से कम 3 साल और लग सकते हैं। The foundation said that its mRNA investment marks an important step forward in improving vaccine equity. कि foundation ने कहा कि इसका जो निवेश है वैक्सीन के लिए इक्विटी सुधार दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे बढ़ते हैं, A 40 million investment will help several African manufacturers produce new messenger RNA vaccine on the continent where people were last in line to receive jabs during the COVID-19 pandemic. इसका मतलब क्या है कि बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में सोमवार को घोषणा की गई कि $40 मिलियन जो निवेश की गई है अफ्रीका निर्माताओं को, वो महाद्वीप पर नए मैसेंजर टीके का उत्पादन करने में मदद मिलेगा, जहां लोगों को जो दवाई है वो कोविड के दौरान वो प्राप्त करने में अंतिम में थे, वो लाइन में लगे हुए थे, क्योंकि अफ्रीका के लोगों को है ना सबसे ज्यादा जरूरत होती, सबसे जरूरत तो सबको थी, लेकिन अफ्रीका के लोगों तक सबसे आखिर में पहुंची दवाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो वो चाहते हैं कि अफ्रीका में मैन्युफैक्चर भी हो, और ताकि यदि कोई परेशानी हो, बीमारी हो, तो अफ्रीका के लोगों को महीनों तक इंतजार ना करना पड़े। आगे बढ़ते हैं, व्हाइल इट कुड स्टिल टेक एट लीस्ट 3 more years बिफोर एनी ऑफ द वैक्सीन आर अप्रूव्ड on the market, the foundation said that its mRNA investment makes an important step for improving vaccine equity. ठीक है कि हालांकि किसी भी टीके को मंजूरी मिलने में अभी कम से कम 3 साल और लग सकते हैं, लेकिन foundation ने कहा कि उसका मेरा निवेश इक्विटी सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, एक स्टेप है। अगला, whether it is for local disease in Africa, कि चाहे कोई भी अफ्रीका की लोकल बीमारी हो, like Rift Valley, एक प्रकार का बुखार, और फॉर ग्लोबल डिजीज लाइक टीबी, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, एमआरएनए लुक्स लाइक अ वेरी प्रॉमिसिंग अप्रोच। तो ऐसे लग रहा है कि एमआरए जो है, आरएनए जो मशीन जो दवाई है, वो काफी बेहतर साबित होगी अफ्रीका के लोगों के लिए। बिल गेट्स टोल्ड दैट द एसोसिएटेड प्रेस ऑन संडे आफ्टर विजिटिंग वन ऑफ द फैसिलिटी इन्वॉल्व इंस्टीट्यूट पास्टर इन डाकर सेनेगल। इसका मतलब क्या है कि चाहे अफ्रीका में रिफ्ट वैली बुखार जो है जैसे स्थानीय बीमारियों के लिए हो, या टीबी और वैश्विक बीमारियों के लिए, एमआरएनए एक बहुत ही आशाजनक दृष्टिकोण की तरह दिखता, एक डकर दिखता है, मतलब कि ये काफी ज्यादा आशा देता है लोगों को, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना काफी है, हम कल फिर मिलेंगे। और यदि आप एक्टिव पैसिव नरेशन करना चाहते हैं, सबसे पहले तो बेटा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास खत्म होने के बाद, अभी आप जो लिख रहे हैं वो कमेंट नहीं है, वो लाइव चैट है, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद जब ऑफलाइन क्लास चली जाए तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है बेटा। उसके साथ साथ यदि आप ग्रामर पोर्शन करना चाहते हैं तो एसएससी खान ग्लोबल स्टडीज चैनल पर आप सुबह 10 से 11 कर सकते हैं, जहां पर मैं नरेशन करवाता हूं, एक्टिव पैसिव करवाता हूं, फिर द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर, पैरा जंबल्स, ये सारी चीजें होती हैं रोज, और वहां पर लगभग 40+ hours की क्लास मेरी हो चुकी है। तो बेटा मस्त रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें, माता पिता की बात माने, अपना ध्यान रखें, और यदि किसी की सहायता करते कर सकते हैं तो पक्का करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।